बांका लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जवाहर कुमार झा अपने हजारों समर्थकों के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर ढोल और गाजे बाजे के साथ नामांकन के लिए बांका समाहरणालय पहुंचे। उनके समर्थकों ने निर्दलीय प्रत्याशी जवाहर कुमार झा को फूल माला के साथ स्वागत किया एवं सांसद के तौर पर जीतने की उम्मीद को लेकर नारेबाजी की। नामांकन के लिए प्रत्याशी के साथ बांका के हजारों की संख्या में जनता साथ थी। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने के बाद जवाहर कुमार झा ने कहा कि जीतने के बाद बांका लोकसभा में जो विकास कार्य अब तक नहीं हुआ है वो विकास मैं करूंगा। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहा हूं। मुझे चुनाव लड़ने का कोई शौक नहीं था, लेकिन मैं बांका के विकास के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, जनता के हित के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। जवाहर कुमार झा ने बताया कि अब मुझे जनता पर पूरा उम्मीद है और जनता का आशीर्वाद मुझे चाहिए, जनता का मुझे पूरा भरोसा है। सबसे पहले तो मैं बांका लोकसभा के एक एक जन को मैं प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोग प्यार जिस तरीके से प्यार बरसा रहे हैं, जो मेरा लक्ष्य है, जो अपना लक्ष्य है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। बांका में विकास करेंगे, बांका को नया बांका बनाएंगे। बांका में कोई राजनीति नहीं होगी, बांका को राजनीति से सेव करना है, सुरक्षित करना है और एक एक जन को उनका अधिकार दिलाना है। जो आज मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, उपेक्षित है, उनको मैं जवाहर झा ये वादा करता हूँ कि मैं उनको दिलाऊंगा ये अधिकार, मूलभूत सुविधा भी और उसके बाद में उनको लग्जरी भी सुविधा मिलेगी। ये सपना देखना हम लोग स्टार्ट करें। जनता कितना सपोर्ट मिल रहा सर? जनता का सपोर्ट आप देख ही रहे, जनता हमें माला कम पड़ गया, इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। परिवर्तन का माहौल नहीं चल रहा। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी तरीके से चुनाव लड़ सकते, हम निर्दलीय नहीं है। हम किसी भी कोई एक पार्टी जो सेंट्रल पार्टी है वो यहाँ पे हिम्मत नहीं कर रही है चुनाव लड़ने के लिए। वो हमेशा कहीं ना कहीं गठबंधन में आते हैं, उनको मजबूत करेंगे। बांका वासियों को सपना देखना स्टार्ट करें, विकास का सपना देखना स्टार्ट करें।